तो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेलाज़मा स्किन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के लिए कुछ बातें। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेलाज़मा आखिर है क्या, मेलाज़मा को दूर करने के लिए घरेलू रेमेडीज़, और साथ ही मैं आपको इसमें लास्ट में एक क्रीम का नाम बताऊंगी और कि उस क्रीम से आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही मैं आपको उसका प्राइस बताऊंगी, और इसमें मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मेलाज़मा से बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेलाज़मा एक स्किन की बीमारी है। इसमें स्किन के कुछ हिस्सों पर ब्लैक या ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। फ्रेंड, जो इसका मेन कारण है जिसकी वजह से ये पड़ता है, वो होता है धूप की किरणें। फ्रेंड, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी स्किन पे कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम ध्यान ना दें। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपको मेलाज़मा भी हुआ है तो मेलाज़मे का बिल्कुल होम रेमेडीज़ वर्क करती हैं अगर आप उन्हें कंटिन्यूसली यूज़ करें। और फ्रेंड, अगर आप ऐसा है कि एक दिन लगाएं दूसरे दिन ना लगाएं तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेंगी। जब भी हम किसी काम से सनस्क्रीन के या थोड़े अधिक तापमान या धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन धूप से झुलस जाती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे काफ़ी ज़्यादा हम टैन देखने को मिलता है, पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। पिगमेंटेशन ही आगे जो भयंकर धब्बे पड़ जाते हैं उनको हम मेलाज़मा कहते हैं। फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, सूरज की यूवी किरणें हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हम धूप में ही जा रहे हैं तो ही वो पड़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी की यूवी भी उम्र बढ़ने के साथ मेलानिन के असामान्य उत्पादन का कारण बनती है, जिसके कारण त्वचा पर गहरे भूरे रंग के धब्बे पैदा हो जाते हैं। इसी को मेलाज़मा कहते हैं। फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ, जानिए मेलाज़मा को दूर करने के लिए कौन से होम रेमेडीज़ हैं जो कि 100% हमारी स्किन पर वर्क करती हैं। फ्रेंड, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि मेलाज़मा क्या है, मेलाज़मा होने के कारण क्या है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेलाज़मा अगर आपको हो गया है, पिगमेंटेशन भी है या फिर डार्क स्पॉट भी है, अगर आपके फेस पे किसी भी टाइप के निशान हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 2 चम्मच नींबू का जूस, जिसके अंदर आपको डालना होगा 2 चुटकी बोरेक्स पाउडर। फ्रेंड, बोरेक्स पाउडर आपको इजीली किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा या फिर ये पंसारी शॉप पे भी मिल जाएगा। आप उसको पीस लें और 2 चुटकी आप इसमें डाल लें। साथ ही फ्रेंड, आपको जो इसमें थर्ड चीज़ चाहिए होगी, वो चाहिए होगी इसमें शुगर। जो शुगर हम डेली अपने घर में यूज़ करते हैं, आपको थोड़ा सा वो डालना होगा। इन तीनों चीज़ों को आप आपस में मिलाकर 3 से 4 दिन के लिए रूम टेम्परेचर में रख दें, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है आपके रूम में तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रेंड, आप 2 से 3 दिन बाद देखेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल किसी मेडिसिन जैसी बन गई है, और वाकई ही जब आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो आप वाकई ही कहेंगे ये रेमेडी किसी मेडिसिन से कम भी नहीं है। फ्रेंड, इसके लिए आप एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप इन तीनों चीज़ों को मिलाएं तो किसी एयरटाइट डिब्बे में ही रखें, कंटेनर हो या फिर कोई बॉटल हो, पर वो एयरटाइट होनी चाहिए। और साथ ही अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सिंपली लीजिए नींबू का रस, निचोड़ने के बाद उसमें कॉटन बॉल डालिए, और जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन है आप वहाँ पर 20 मिनट के लिए इसको रख छोड़ें। उसके बाद आप इसे सिंपल पानी से धो लें। अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको होम रेमेडीज़ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसके लिए, मैं आपको एक क्रीम बता रही हूँ, इसका नाम है रिक्यूल। फ्रेंड्स, ये क्रीम बहुत ही अच्छा वर्क करती है पिगमेंटेशन पे, मेलाज़मा पे, डार्क स्पॉट पे।
फ्रेंड, ये मैंने बहुत ही लोगों को देख चुकी हूँ, इसका रिज़ल्ट ही बहुत अच्छा आया है। इसका प्राइस मैं आपको इसमें लिख के छोड़ देती हूँ फ्रेंड, और इस क्रीम का मैं आपको लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी, अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड, आपने जो मुझे इतना ज़्यादा कीमती टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।